क्रीम बनाई जाए। तो आज चैट चैनल में मैं बनाने जा रही हूँ मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। ये मैंने 2 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम ली है और इसको हम बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करेंगे। इसको हमें तब तक बीट करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाए। ये देखिए हमारी थिक हो रही है, इसको हम 2 मिनट्स के लिए और इसको बीट करेंगे। हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो थिक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टू टीस्पून कोको पाउडर और इसमें हम डालेंगे अबाउट 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बैटर जो है ठीक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बीटर को हटा देते हैं और एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप इसके अंदर चोको चिप्स डाल सकते हो। मैंने वेनिला और चोको चिप्स मिक्स करके ली है। इसको हम मिक्स कर देते हैं और एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें हमें इसको फ्रीजर में रखना है। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो, उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट कवर लगा के भी रख सकते हैं और या फिर हम यूज करेंगे क्लिंग पेपर, जिससे क्या होगा हमारा आइस इसके ऊपर आइस नहीं जमेगी। ये मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है और इसको अब हम रखेंगे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए। तो ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। ये मैंने पहले से जमा के रखी थी, इसको हटाते हैं पेपर को और इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। जितना अच्छा हम लोग क्रीम को बीट करेंगे हमारी जो आइसक्रीम है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसको हम थोड़े से गार्निशिंग करेंगे चोको चिप्स से एंड थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सॉस। और हमारी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो गई है। अब लेते हैं गर्मियों का मजा इस चॉकलेट आइसक्रीम।
तो ये चॉकलेट आइसक्रीम घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और ये आइसक्रीम कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल बटन जरूर क्लिक करिएगा। मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊंगी।